हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर। हमने कैपेसिटर के बारे में बताया था आपको, कैपेसिटर के क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस क्या है, वो हमने डिस्कशन में कर लिया था। जितने भी हमने टाइप थे, तीन टाइप्स हमने बताए मेजरली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड वन वॉज दी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना सीखा। आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी स्टोर होती है, साथ ही साथ में कुछ और टर्म्स हैं, जैसे हम बताएंगे कि कितना हीट डिसिपेशन होता है वाइल दी चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, साथ ही साथ किसी एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के कारण लगने वाला फोर्स वो कितना होता है, और एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो वो चार्जिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे कोई कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी कैपेसिटर होता है उसको हम चार्ज करते हैं, वो चार्जिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि कैपेसिटर के टाइप्स क्या हैं, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के यूजेज क्या क्या हैं, ऑलरेडी हम डिस्कशन में ले चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, और उसके बाद में हम आगे फर्दर टर्म्स देखेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे। टॉपिक हमारा ये रहेगा कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग की प्रोसेस क्या होती है। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, किसी भी हम कैपेसिटर को चार्ज करें तो चार्ज कैसे करते हैं। देखिए, हमारे जो बोर्ड की एग्जाम्स हैं या वैसे जेई के परस्पेक्टिव में हम देखें तो कोई भी कैपेसिटर हम यूज करें तो उनमें अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हो मोस्टली यूज होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्टली यूज होता है। हमने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लेट के ऊपर हमने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कर दिया इस पर, और इसके ऊपर आ गया अपने पास नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और चार्जेज जो हैं इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू। मान लीजिए ये डी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड हैं दोनों प्लेट्स और हर एक प्लेट का एरिया ए है, तो हमने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस जो होती है कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब वैक्यूम की बात हो रही हो, और अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था दोनों प्लेट्स के बीच में वो आ जाता अपने पास वी इज इक्वल टू ई इन टू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेज हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, वो चार्जेज आते कैसे हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है। देखिए, हम जब भी हम कैपेसिटर की बात की तो हमने बोला कि ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये पॉजिटिव चार्जेस आते कैसे हैं, ऐसे थोड़ा ना है कि भाई मेरे पास चार्जेस हैं, लीजिए भैया आप इस प्लेट को दे दीजिए पॉजिटिव चार्जेस, प्लस क्यू चार्जेस इसको दे दिया, माइनस क्यू चार्ज इसको दे दिया, हवा में दे दिया, ऐसे उड़ा करके जादू से दे दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं होता। इसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हम चार्ज करते हैं। एक्चुअल में किसी भी, ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर चार्जेस लें या इस प्लेट के ऊपर चार्जेस लें, वो जो चार्जेस लाने का मेथड है वो हम करेंगे बैटरी का यूज़ करेंगे उसके अंदर। किसका यूज़ करेंगे, बैटरी का। देखिए, बैटरी कैसे यूज होती है, कैसे हम बैटरी का यूज करके इसको चार्ज करते हैं, तो वो जो होती है चार्जिंग प्रोसेस। देखिए, हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ये पॉजिटिव अपने पास एक प्लेट है, ये प्लेट मान लीजिए एक्स प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट हमने बोल दिया नाम ए, इसको एक्स प्लेट बोल दिया, और इसके अपने पास पैरेलल में एक और प्लेट लेके आए हम, ये अपने पास है वाई प्लेट,
तो ये कैपेसिटर की प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या हम इस कैपेसिटर को हम ऐसे भी दिखाते हैं कि ये इसका अपने पास फ्रंट व्यू देखें तो एक प्लेट ये आ गई एक्स प्लेट और ये वाली प्लेट आ गई अपने पास वाई, ठीक है। तो होता क्या है, चार्ज कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्जेज किस कैसे आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव कैसे आते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कंडक्टिंग वायर को लेंगे और कंडक्टिंग वायर को हम एक बैटरी से अटैच करेंगे, ठीक है। ये अपने पास होगा स्विच, स्विच होगा, की होगी यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। ये अपने पास वी वोल्ट की अपने पास क्या है, बैटरी ले ली हमने। ये अपने पास ये वाली प्लेट एक्स और ये वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पर भी शो कर सकते हैं ऐसे, ये वाला होगा क्या, देखिए अब जब भी हम बोले कि कैपेसिटर को चार्ज करना है तो सिंपल हमारे पास टेक्निक ये रहती है, हम किसी बैटरी को जोड़ेंगे, लेफ्ट प्लेट से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, इसका नेगेटिव टर्मिनल राइट प्लेट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसको की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे होगा क्या, ये जो वायर इसे अटैच्ड है प्लेट से, तो ये जो प्लेट है जैसा कि ये कंडक्टर है, तो यहाँ से होगा क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो लगेगा इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण बैटरी के, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने स्टार्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट से और यहाँ पर राइट प्लेट की ओर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतने जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने पास ड्रेन हो रहे हैं निकल रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन जो हैं राइट प्लेट के ऊपर अपने पास एक्यूमुलेट हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पर आएगा अपने पास इस प्रकार से, ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया, उतना ही अपने पास नेगेटिव चार्ज जो है राइट प्लेट पर आ जाएगा, ये इस प्रकार से देखो, ये देखिए अपने पास, ये अपने पास हो गया, ठीक है। और ये जो चार्ज, अच्छा ऐसा होता है कि जब हम किसी प्लेट को चार्ज करते हैं, जैसे हमने बैटरी को लगाया, तो बैटरी के लगाते ही होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है, बहुत जल्दी होती है, बट हम ये मान रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उस टाइम की हम बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे ही हमने की को उनके की को क्लोज किया, क्लोज करते ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ट्रेवल करके ये वाई प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर जो है चार्ज जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे बढ़ना हो स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्लेट है वो फुली चार्ज हो जाएगी और हम उसको बोलते हैं प्लस क्यू चार्ज, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पर इक्वल अमाउंट में चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे जैसे अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की ड्रेनिंग होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, धीरे 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 चार्ज, चार्ज पहले क्या था, यदि अपने पास की ओपन थी, की जब ओपन थी तो अपने पास चार्ज था जीरो, चार्ज अपने पास था जीरो चार्ज था, लेकिन जैसे ही की को क्लोज किया, की को जैसे ही हमने क्लोज किया, क्लोज करते ही हुआ क्या, जो चार्ज की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी, जीरो से बढ़ेगी और बढ़ते 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 टोटल चार्ज लास्ट में फाइनल स्टेज पे अपने पास जो चार्ज आएगा, फाइनली फाइनली जो चार्ज आएगा प्लस क्यू एक्स प्लेट के ऊपर आ जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा वाई प्लेट के ऊपर, ठीक है। और ये बीच की स्टेज है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज था थोड़ा बहुत आया, मान लीजिए हमने क्यू क्यू बोला, यहाँ पर क्यू चार्ज आया, फिर क्यू से थोड़ा बढ़ा,
और फिर चार्ज बढ़ते बढ़ते प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो यही जो अपन यहाँ से शो करें, यदि इस फिगर में शो करें तो इस प्रकार से हम दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये अपने पास हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास इसी प्रकार से होगा। जैसे जैसे अपने पास चार्ज बढ़ेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और चार्जेस बढ़ने के कारण दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सभी वैल्यू जो वो बढ़ रही हैं, पहले चार्ज जीरो था, जीरो से चार्ज हुआ कैपिटल क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास जीरो था, और फाइनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, क्यों जा रहे थे यहाँ से, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, तो ये जो टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर एक ऐसी स्टेज आएगी जिस स्टेज के ऊपर इस प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। जैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V था, एक ऐसी स्टेज आएगी इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, उतना ही पोटेंशियल जितना बैटरी के पास है उतना ही इन दोनों प्लेट के बीच में होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये फर्दर आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, या ऐसे समझ सकते हैं कि इन प्लेट के बीच में, जैसे ये सिरा है अपने पास, ए बोल देते हैं, ये बोल देते हैं बी, तो ये पॉजिटिव में अपने पास सेल इस प्रकार से बन रहा था कि करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही थी, ऐसे ये वाला जो सेल है वो अपोजिट में बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो सेल है अपने पास ऐसे था पॉजिटिव नेगेटिव, अब जो है इन प्लेट के कारण सेल इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, कोई भी सर्किट में फर्दर करंट नहीं फ्लो होगी, और करंट नहीं फ्लो होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर जो है नहीं जाएंगे। और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट, कैपेसिटर की स्टडी स्टेट। ये जो स्टेट है फाइनली, ये जो स्टेट है कैपेसिटर की हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। और इस स्टडी स्टेट में जो चार्ज है वो प्लस क्यू हो जाएगा, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जैसा कि हमने बताया कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, सी जो हो जाएगा अपने पास क्यू अपॉन वी, ये हम बोलें कि चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इजक्वल टू सी वी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है अपने पास, या अपन बोले क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम ये बोले वी इजक्वल टू ई इंटू डी से, या हम बोले सिग्मा डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। मीन्स अब ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज्ड है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज्ड कैपेसिटर हो गया। अब होगा क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के द्वारा। अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास सेटअप हो गया इस प्रकार से। देखिए ये वाला अपने पास, ठीक है, ये अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी हम कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ड्रेन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे इस पर चार्ज राइज होगा, चार्ज एक टाइम पर मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज था, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ा क्यू से और उसकी अमाउंट बढ़ेगी, और साथ ही साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी राइज होगा प्लेट के बीच में। एक पोजिशन, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक पोजिशन या एक स्टेट ऐसी आएगी
कि वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के बीच में, वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होने के कारण फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रेनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, चार्ज जो वो मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। वट एवर काइंड ऑफ कैपेसिटर यू टेक, आइदर इट कैन बी स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, द प्रोसेस रिमेन्स सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। आगे हम करेंगे क्वेश्चंस को, उसमें डायरेक्टली आपको कैपेसिटर ऐसे दिया जाएगा, इसका मतलब ये रहता है कि ऑलरेडी जो है ये स्टडी स्टेट अचीव कर रखा है इसने। ठीक है, बहुत इंस्टेंट करता है, बहुत ही टाइम बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो ये होती है अपने पास प्रोसेस कैपेसिटर को चार्ज करने की। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है वो है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या हम बोलें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये अपने पास टॉपिक होगा, देखिए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कि अपने पास कैपेसिटर की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कैसे हुई। हमने बताया था कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो एक लिमिट के ऊपर हम चार्ज नहीं कर पाते और उसका पोटेंशियल है वो एक लिमिट पर, लिमिट तक ही राइज हो पाता है। एक सर्टेन लिमिट के बाद में पोटेंशियल राइज नहीं हो पाता और उसकी जो कैपेसिटेंस है, सी जो है अपने पास कैपेसिटेंस, वो लिमिट हो जाती है, वो फाइनाइट हो जाती है, जो बहुत ही स्मॉल आई थी। हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अपने पास आई थी 4πε0r, जो बहुत ही कम था। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट को हमने ईजाद किया, कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट को हम लेके आए और हमने बताया था कि कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट में हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि पोटेंशियल जो है वो घटा देते हैं और अपने पास चार्ज सेम रहता है, सेम चार्ज के ऊपर पोटेंशियल को घटा देते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा लेते हैं। ये वाली कॉन्सेप्ट यूज होती है कैपेसिटर के अंदर, चाहे ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। हमने ये बताया था कि कोई भी अपने पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब हम चार्ज करें इन्फिनिटी से, हम किसी चार्ज को लेके आएंगे, स्मॉल स्मॉल चार्जेज को इन्फिनिटी से लेके आएं, तो उन चार्ज को लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो इस कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये हमने बताया था आपको। ठीक है, एक लिमिट के बाद में ये चार्ज अपने पास एटमॉस्फेयर में क्या है, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस फाइनाइट हो जाती है, इतनी बात हमने बताई थी। फिर हमने बताया कि दो कंडक्टर लें हम, एक को हमने बोला पॉजिटिव चार्ज लिया, एक को हमने बोला सेम अमाउंट में आप नेगेटिव चार्ज ले लो। इससे होगा क्या, इस कंडक्टर की जो है पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल घटने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इतना हमने बताया था। और हमने कहा था कि यहाँ से आप पॉजिटिव चार्जेस को तोड़कर यहाँ लेके आ रहे हो, तो इस प्रोसेस में जो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो वर्क डन है इन दोनों, इस सिस्टम की, इस कैपेसिटर की जो अपने पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स फोर्सेस के लिए लेते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स में हम लेते हैं। जब भी हम कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम या तो हम शेप चेंज करें या स्ट्रक्चर चेंज करें या पोजीशन चेंज करें, तो हमारे जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है।
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यदि हम बात करें ग्रेविटी के अंदर हम बोलें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी के अंदर बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म हैं। यदि हम बात करें स्प्रिंग के अंदर तो स्प्रिंग हम क्या करते हैं, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी अपने पास क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इसको भी हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को जब हम लेके आते हैं तो इसके अंदर भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्प्रिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर से। तो ये प्रोसेस होते हैं। तो इन सेम मैनर हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेम अप्रोच है हम करते हैं कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर होता क्या है कि हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज करते हैं, और वो जो वर्क डन है हमारे द्वारा, जो हम चार्जिंग के कारण जो वर्क डन है, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए अपने पास हम कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड ठीक है, व्हेन वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय यूजिंग बैटरी the plates start gaining charges ठीक है। At steady state, at steady state the platelets gains plus Q charge and plate Y गेंस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। ये जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर, ठीक है, जैसे हम बोले ये अपने पास क्या था, अपने पास कैपेसिटर था, अनचार्ज्ड कैपेसिटर था, ये अपने पास प्लेट एक्स थी, ये प्लेट हमने बोली एक्स प्लेट है, ये प्लेट हमने बोली ये वाई प्लेट है, ठीक है, और स्टार्टिंग में अनचार्ज था। जैसे ही हमने बैटरी को लगाया, जैसे ही हमने वी वोल्ट की बैटरी को लगाया, की कुंजी को अपने पास, की जो अपने पास है उसको हमने प्लग किया, क्लोज किया वी वोल्ट की बैटरी, तो हुआ क्या, अपने पास फाइनली अपने पास आ गया प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, ये हमने लिखा। अब हुआ क्या, यहां पर आ गया अपने पास प्लस क्यू चार्ज और यहां पर आ गया अपने पास माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, शो कर देते हैं चार्जेस को। ये हमने बोला कि अपने पास प्लस क्यू चार्ज आया और ये अपने पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए
ये जो चार्ज है ये कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है बैटरी। बैटरी ही काम कर रही है अपने पास, बैटरी ही क्या कर रही है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है इलेक्ट्रॉनों को, और यहाँ पर क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को डिपॉजिट कर रही है। ये जो काम है ये बैटरी कर रही है, तो वर्क डन है वो बैटरी कर रही है। तो हम बोलें कि ये जो बैटरी जो वर्क कर रही है ना, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इस टर्मिनल से एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर लाने में जो ये बैटरी वर्क कर रही है, वो वर्क ही एक तरह से हम बोल लें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस में ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से प्लस प्लस चार्ज जो है वो यहाँ से इस प्लेट से उठ करके यहाँ से निकल करके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। छोटा छोटा चार्ज अपने पास dQ जो चार्ज है वो यहाँ से निकल करके और इस प्लेट अक्ष के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके और नेगेटिव ये वाली वाई प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो एक तरह से प्लस यहाँ पर चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। या दूसरे वे में हम बोलें कि आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से टूटते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को तोड़ा और यहाँ पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज टूटा तो पीछे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों तरीकों से हम बता सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा वे है अपन बताने का। या आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ करके और बैटरी यहाँ लेके आ रही है, ठीक है। तो ये जो वर्क है, बैटरी वर्क कर रही है इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट लाने में, और वो जो वर्क है इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टार्ट हो, वो अपने पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कहाँ से वर्क कर रही है, बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, बैटरी के पास जो एनर्जी आ रही है, बैटरी के पास अपने पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बैटरी के अंदर अपने पास होती है केमिकल रिएक्शन, और उन केमिकल रिएक्शंस में अपने पास एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन चल पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोलें कि वी कैन सी द होल प्रोसेस एज पॉजिटिव चार्जेस, ये हम बोलें बैटरी होल प्रोसेस एज बैटरी रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लेटक्स एंड डिपॉजिट्स एट प्लेट वाई एंड ठीक है, एंड दिस गोज कंटिन्यू पर ये अपने पास जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और ये जो वर्क है ठीक है द वर्क डन बाय द बैटरी ठीक है द वर्क डन बाय द बैटरी ठीक है द वर्क डन बाय द बैटरी इन द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ठीक है इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, ये अपने पास प्रोसेस होती है। अब देखिए वो पोटेंशियल एनर्जी आती कितनी है वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखिए तो इस प्रोसेस में हमने किया क्या, देखो वापस से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने बैटरी को अटैच किया, की को ऑन किया, ठीक है, ठीक है, स्विच को ऑन किया, की को क्लोज किया, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल करके अपने पास जो प्लेट वाई है उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस को कि पॉजिटिव पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टाइनी टाइनी स्मॉल अमाउंट के जो चार्ज हैं वो इस प्लेट वाई से निकलेंगे और प्लेट एक्स की ओर जा रहे हैं। दोनों प्रोसेस को हम सोच सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले और यहां गए, या इंटरनली हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज निकले और यहां पर गए, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला इजी रहेगा अपने पास डेरिवेशन करने में। देखिए हम ये मान रहे हैं कि भैया अपने पास एक प्लेट थी, ये अपने पास इस प्रकार से, ये प्लेट अपने पास अक्ष थी और इस प्लेट को हमने बोला वाई, ठीक है, और बैटरी लगा रखी है। बैटरी लगाते ही हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ डिपॉजिट होने लगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकले और यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे, भैया यहाँ पर आने लगे पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट अक्ष के ऊपर। मान लीजिए बिटवीन टोटल चार्ज के प्लस क्यू है अपने पास, इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं अपने पास। मान लीजिए स्टडी स्टेट अभी नहीं आई, स्टडी स्टेट आने से पहले मान लीजिए इसके ऊपर जो चार्ज है, स्टडी स्टेट अभी नहीं आई है, स्टडी स्टेट हमारे पास नहीं आई है, तो मान लेते हैं स्टडी स्टेट आने से पहले इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू न होकर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल क्यू है। मान लीजिए कितना है स्मॉल क्यू है, तो इसके ऊपर भी अपोजिट में कितना आएगा, सेम चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है, बोल सकते हैं, सही बात है। अब होगा क्या, बैटरी क्या कर रही है भाई, बैटरी या तो ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉनों यहाँ लेके आ रही है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से चार्ज निकला, यहाँ से चार्ज, यहाँ पर चार्ज डिपोजिट हो गया, तो चार्जेज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, बैटरी लेके आ रही है, हम लेके आ रहे हैं, ऐसे बोलें कि हम भी तो एक्सटर्नली है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रही है, ठीक है, तो बैटरी क्या कर रही है, यहाँ से चार्जेज को तोड़ तोड़ कर यहाँ लेके आ रही है। अब मान लीजिए फर्दर अपने को चार्जिंग करना है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास, अच्छा ये जो चार्जेज है वो स्मॉल अमाउंट में आते हैं, टाइनी टाइनी अमाउंट में आते हैं, बहुत ही, हम ऐसे बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट अमाउंट में नहीं है, चार्ज कंटिन्यूस बोलें तो स्मॉल क्यू है, इससे आगे हम लेके आए तो इसको डी क्यू चार्ज को हमें लेके आना पड़ेगा, और डी क्यू चार्ज को हमें लेके आना पड़ेगा वाई प्लेट से एक्स प्लेट की ओर, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी, ठीक है, इफ यू ब्रिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम प्लेट y टू x, देन वर्क डन, वर्क कितना करना पड़ेगा वो देखिए। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ये अपने पास बिटवीन, ये क्या है, ये बीच की स्थिति है, जब अपने पास हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ, बीच की स्थिति है अपने पास, तो उस सिचुएशन में अपने पास होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलें तो अपने पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो सिग्मा को हम बोलेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर चार्ज स्मॉल क्यू आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलें तो हम बोल सकते हैं ई डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी, मान लीजिए इनके बीच की प्लेट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, तो अपने पास हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर हमें डी क्यू चार्ज लेके आना, तो जो वर्क डन होता है जैसे कि हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर में कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए जो होता है वो होता है ए से बी में जब हम स्मॉल क्यू चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा ए से बी में लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये होता है। लेकिन हम चार्ज लेके आ रहे हैं डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, स्मॉल डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क होगा डी डब्ल्यू जो होगा डी क्यू इंटू वी होगा, ठीक है। तो अपने पास जो वर्क डन होगा वो होगा डी डब्ल्यू जो होगा चार्ज अपने पास डी क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास है वी, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्यू अपॉन वी, तो वी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन सी से। तो वी को अपने पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज क्यू अपॉन सी एंड डी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली सिचुएशन से। अब हमें तो चार्ज करना है बैटरी को चार्ज करना है, या हम बोल सकते हैं हमें जो चार्ज करना है वो चार्ज करना है कैपिटल क्यू तक। तो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम मान रहे हैं, तो जो टोटल जो वर्क डन होगा, बैटरी जो वर्क डन करेगी, टोटल वर्क डन, टोटल चार्जिंग में क्या होगा, जो टोटल वर्क डन होगा बैटरी द्वारा वो क्या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, बिल्कुल। और सी अपने पास बाहर ले लेंगे अपन, चार्ज की जो लिमिट है वो पहले चार्ज के था जीरो और हमें चार्ज करना है कैपिटल क्यू तक। हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू। तो अपने अपने पास जो पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी जो आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आई अपने पास आई क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आई। इसको हम दूसरे वे में हम लिखें, देखिए ये देखिए कि अपने पास सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी। तो सी को जब हम क्यू अपॉन वी लिखें तो अपने पास आएगा हाफ क्यू वी, ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, या क्यू को हम सी वी भी लिख सकते हैं, क्यू को हम सी वी लिख सकते हैं, यू अपने पास आएगा देखिए हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्म हम लिख सकते हैं, तीनों ही एक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो अपने पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आई उसकी जो फॉर्म आती है अपने पास हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी या हाफ क्यू वी, ठीक है। तो ये अपने पास आई पोटेंशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये अपने पास, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होती है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं वापस से बैटरी को चार्ज करने में, ठीक है, जब हम आगे बताएं आपको एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है, उसमें अपने पास यही प्रोसेस होती है, कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इंडक्टर में स्टोर होती है, इंडक्टर वापस से वो जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी वो कैपेसिटर को देता है और ऑसिलेशन चलता रहता है। तो ये अपने पास प्रोसेस थी सारी कि कैसे किसी कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक आती है अपने पास टर्म हीट डिसिपेशन, ठीक है, हीट डिसिपेशन कैसे होता वो देखिए अपने पास, ठीक है, चलिए इसी में बता देते हैं आपको। यहां पर हम बात करें, देखो ये हम बात करें, ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं, चलिए देखिए इस पूरी प्रोसेस की बात करूं मैं, जब हमने पास चार्ज नहीं था, कैपेसिटर अनचार्ज था, जैसे ही हमने की को ऑन किया, ठीक है, तो चार्जेस जो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और कैपिटल चार्ज अपने पास जो कैपिटल क्यू चार्ज आ गया फाइनल स्टेट में, स्टडी स्टेट में, ठीक है। इस प्रोसेस में स्टोर्ड एनर्जी जो है अपने पास कितनी आई, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। अब हम बात करें कि बैटरी ने कितना वर्क किया, आप बोलोगे सर बैटरी ने तो इतना ही वर्क किया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्योंकि बैटरी जो द्वारा वर्क है वो इसकी एनर्जी में स्टोर्ड हो गया। चलिए देखते हैं बैटरी कितना वर्क कर रही है, अभी हम कन्फर्म भी हो जाएगा अपने पास। देखिए इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या था, ये अपने पास बैटरी थी, ठीक है, ये अपने पास की थी और ये अपने पास वायर था, और हम ये बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ आ रहे थे, एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर जा रहे थे इस प्रकार से, ठीक है। और बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी है, कितना था वी पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी के ऊपर टर्मिनल्स के ऊपर। हम बैटरी को आइडियल मान रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपने पास पोटेंशियल का लूज नहीं हो रहा बैटरी का, तो पोटेंशियल जो है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है वी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो एक इस टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की बात करें
तो जो टोटल चार्ज है वो कितना फ्लो हुआ इस पूरी प्रोसेस में। इस पूरी प्रोसेस की बात करूं तो जो चार्ज था वो चार्ज फ्लो हुआ इस कैपिटल क्यू। पहले चार्ज जीरो था, धीरे धीरे बैटरी क्या कर बैटरी ने क्या किया, चार्जिंग स्टार्ट कर दी, कैपेसिटर को चार्जिंग स्टार्ट करते गए चार्ज जो था जीरो से धीरे धीरे बढ़ता गया प्लेट के ऊपर, और बढ़ते 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 टोटल चार्ज जो था वो हो गया अपने पास कैपिटल क्यू। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इस वायर में जो टोटल चार्ज का जो फ्लो हुआ वो क्या जीरो से क्यू हुआ? क्या जीरो से क्या हुआ? क्यू हुआ। अब बैटरी कितना वर्क कर रही है, बैटरी कितना वर्क कर रही है, तो हम बोले बैटरी बात करें तो वर्क कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस प्रोसेस में। वर्क हम कैलकुलेट करेंगे dW इज इक्वल टू अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V हो गया, और ये अपने पास dQ हम बोले, चार्ज जो वेरी कर रहा है जीरो से Q तक। टोटल वर्क डन हम बात करें बैटरी का, V तो सेम है तो वर्क डन बाई बैटरी हम बात करें तो V इंटू क्यू हुआ। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? क्यू हुआ। तो ये वर्क डन आया, ये हम बात करें Q को हम CV लिख सकते हैं तो CV स्क्वायर आया। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है? वर्क डन बाई बैटरी की बात करें तो अपने पास है CV स्क्वायर। बैटरी वर्क कर रही है CV स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो है हाफ CV स्क्वायर। ये देखिए अपने पास बैटरी वर्क कर रही है CV स्क्वायर और कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ CV स्क्वायर है। इसका मतलब बैटरी द्वारा जो टोटल वर्क डन है वो टोटल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हुआ, जो वर्क डन है, जो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। CV स्क्वायर था और हाफ CV स्क्वायर है, तो जो हाफ CV स्क्वायर वो कहाँ गया, वो इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसे कहाँ गया, वो एनर्जी जो स्टोर्ड वो एनर्जी थी जो बैटरी दी थी, बैटरी ने कितना दिया CV स्क्वायर, बट स्टोर्ड एनर्जी कितना हाफ CV स्क्वायर, तो जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ गई। तो उस एनर्जी को हम ऐसे बता सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो वो इस कंडक्टिंग वायर में ट्रेवल कर रहे हैं, इनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, किसके कारण आई, बैटरी के कारण आई काइनेटिक एनर्जी। तो हुआ क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने पास इस कंडक्टिंग वायर से ट्रेवल होकर ऐसे चलते हैं तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती क्या वो लूज होती है इसके कंडक्टर के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, या हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर उसकी बाउंड्री से टकराता है, सरफेस से टकराते हैं, एटम से मॉलिक्यूल से टकराते हैं। टकराने के कारण होता है क्या है, कोलिजन होती है। कोलिजन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट पैदा होती है। तो वो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो जो है वो हीट में जो है अपने पास लूज हो जाती है। तो जो एनर्जी तो आपने दी CV स्क्वायर, चलो सही बात है, एनर्जी तो बैटरी ने दी CV स्क्वायर और हमने निकाला भी CV स्क्वायर इस प्रोसेस से, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, हाफ CV स्क्वायर। तो जो हीट डिसिपेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, जितनी एनर्जी दी यानी CV स्क्वायर दी, फाइनल एनर्जी कितनी थी हाफ CV स्क्वायर आई, बाकी जो एनर्जी है वो हीट में चली गई, हीट डिसिपेशन। तो जो हीट एनर्जी है वो कितनी आई, हीट एनर्जी जो अपने पास आई वो आई CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर यानी हाफ CV स्क्वायर। ये अपने पास हीट डिसिपेशन हुआ, हीट एनर्जी आई, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है, लॉजिक का क्वेश्चन भी है कि आपने CV स्क्वायर एनर्जी दी और हाफ CV स्क्वायर आपके पास स्टोर हुई, ठीक है। तो ये हमने किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी ने कैपेसिटर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर और भी अपने पास एक टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। साथ ही साथ है एक और टॉपिक अपने पास बच गया कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स हुआ, वो जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है कितना वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ में एनर्जी डेंसिटी की कॉन्सेप्ट आती है, एनर्जी डेंसिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। और अपने पास ये दो ही टॉपिक अपने पास बचे हुए हैं, अपने पास बाकी अपना कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे
कि कैसे हम दो या तीन कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ तक हमने किया, बाकी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर फोर्स लगाती है और उस फोर्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी की हम चर्चा करेंगे कि दो प्लेट के बीच में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंबाइन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पोलराइजेशन के ऊपर, हम डायलैक्ट्रिक स्लेब्स होते हैं, डायलैक्ट्रिक स्लेब को कैपेसिटर के अंदर रखेंगे, उनमें पोलराइजेशन की कैलकुलेशन करेंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वेरिएशन आएगा, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, पोलराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा हुआ पोर्शन कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस के में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो प्लेट के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एनर्जी डेंसिटी की कॉन्सेप्ट क्या होती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए करना क्या है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है, ज़रूर, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं सोशल साइट्स के ऊपर, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।